हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग के KTM ड्यूक 200 में फ्लैशर कैसे इंस्टॉल करने का है। हम लोग ये वाला फ्लैशर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये जस्ट प्लग एंड प्ले है। इसमें हम लोग के बाइक का कौन सा भी वायर कट करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको प्लग एंड प्ले करने का है। फ्लैशर इंस्टॉल करने के लिए हम लोग के बाइक का बैक सीट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, सीट के नीचे एक की पॉइंट दिया है, इसको घुमा के आप बैक वाला सीट ओपन कर सकते हैं। सीट ओपन करने के बाद हम लोग का जो फ्लैशर का जो भी कुछ वायरिंग है वो हम लोग को इसके अंदर ही मिलने वाला है। टूलकिट निकालने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, आपको पूरे इंडिकेटर का वायरिंग दिखाई दे रहा है। इसमें ओनली आपको जस्ट प्लेग एंड प्ले करने का है। जो फ्लैशर का कलर है वो खाली सामने टू सामने मैच करने का है। ओके, सबसे पहले हम लोग जो कंपनी का ओरिजिनल वायरिंग है उसको एक एक करके रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद जो फ्लैशर का वायरिंग का कलर है वो हम लोग का जो बाइक है उसके ओरिजिनल इंडिकेटर के जो वायरिंग है उसके कलर के साथ फिक्स कर दो, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। वायरिंग परफेक्ट है कि ये जानने के लिए ओनली एक इग्निशन ऑन कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों फ्लैशर एक साथ ब्लिंक है, इसका मतलब एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके बाद फ्लैशर चालू करने के लिए जैसे कि आप ये स्क्रीन देख सकते हो, अपने बाइक का जो इंडिकेटर है उसको राइट, लेफ्ट और सेंटर कर दो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम लोग का फ्लैशर एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इसको ऑन ऑफ और पैटर्न चेंज करने के लिए ये वाला प्रोसीजर फॉलो करो। मैं अभी आपको इसका इफेक्ट चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट स्क्रीनशॉट में दिखाया था, इफेक्ट चेंज करने के लिए राइट, लेफ्ट और सेंटर कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग का बाइक का इंडिकेटर का इफेक्ट चेंज हो चुका है। अभी मैं आपको दो तीन इफेक्ट चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इधर इफेक्ट चेंज कर रहा हूँ। चलिए तो गाइज, मैं भी आपको हम लोग का ये जो नया फ्लैशर है वो रात में कैसे दिखता है ये अभी आपको दिखाता हूँ। ओके गाइज, अभी शाम हो चुकी है। मैं एकदम डार्क वाला प्लेस सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को डार्क वाला प्लेस मिलता है, मैं आपको हम लोग के नया फ्लैशर रात में कैसे दिखता है ये अभी आपको दिखाता हूँ। ओके गाइज, फाइनली हम लोग को डार्क वाला प्लेस मिल गया है। अभी मैं आपको हम लोग का ये नया वाला जो फ्लैशर है उसका एकदम सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं।